घुटमनिया एगो का भोला भैंस भूखी मर रही है न्यार कटवा दया। अरे कट जाएगा कहे को आदि जी हो रहा है न्यार कटवा दया। ठीक है तो काटनी यार मैं लगाऊं। भाई मो बहुत अच्छा लगा, 11 लगाना, आप काट लो भाई। भैया जी बहुत बढ़िया लगे, काट के देख तू भी। तुम ही काट लो, मैं 11 लगा लूं, कोई बात नो, तुम ले। अरे तो पता नो मेरे हाथ में इंजेक्शन लगाओ कल तो वाके मारा थोड़ी नस ना काम ना कर रही ढंग से। इंजेक्शन की ऐसी की तैसी, भैया आप ही काटो यार, मैं 11 लगाऊंगा। मशीन मोते एकदम गहरी कि आपके बड़े भाई भोला झिकते 11 लगा दे तो मैं अटक जाऊं। आप बढ़िया लगाओ तो आप काटो, मैं 11 लगाता हूं भाई। अरे आजा आजा यार, तू तो घर आयु, अरे ऐसे थोड़ी भूलो जा भैया। आप दूध रूटी करने लगा या मतलब थोड़ी अब ये घर न रहेगा तेरा भाई, तेरे गाँव में तेरे घर तेरे बाला का सब। ए यार की ऐसी तैसी, मैं डायरेक्ट भैंस खा दूंगा या फिर भैंस चबाएगी या अंदर गोबर बनेगा या को बनेगा तो गोबर ही, तेरे ना बन रहा गोबर। भैया यार भी काटोगे हम और थम भी काटोगे। पापा यू नो मोन नो यार, मैं कह रहा हूँ काट ले। पापा मैं रोज रोज नो काटू, थम बताओ ये बात है। बेटा तुम दोनों मान जाओगे, तारा चाचा आ रहा वीर सिंह। चाचा चाचा ना पापा ना पापा, चाचा मत बुला, कुछ भी कर ले हम काट रहे नहीं आ रहे, कर रहे काट लेंगे भैया। मैं कैसे नड़ जाऊंगा था, मेरा छोटा भाई है, पर थम क्यों हो गया कर ना, मैं सुनते पानी पानी। चाचा हमें पता क्यों टकरा रहे, किसकी? पापा कहे चाचा मत कहे, पापा हमें पता क्यों टकरा रहे, मत बुला भाई। ऊपर आ गई खेत में देखना आला। अरे पापा वहां कहियो न मिले खेत, जाई ले वो खेत चाचा। पापा मैं जो कह रहा हूँ, अगर चाचा आयो न या गहरे की गहरे अपनी नाल दे दूंगा, मशीन में नाल काट दूंगा, पर चाचा मत बुला पापा। अरे थम तो हो गए बेखूब, पर वो तो आ गए 10-12 दिन को आ रहा बस। हाँ थम पे ना तोड़ रही बिगड़ी। अरे मैं कहा जावे हम, चल भाई लगा जा, उम्र में बहुला नहीं चाहिए, वह उम्र में चाचा ला रहे है। बहु और का ब्याह हो जाता तो बहू लाते और कहा लाते। ए भगवान कहे को या सपने दिखा जब पूरे न हो तो। सपने कभी न कभी पूरे हुए भोला, कभी न कभी हमारा उद्धार होएगा। अरे उद्धार जब भी होएगा तो काम करेगा, कुछ हिल्लो करेगा, जब तो कोई छोड़ देगा पैसा कमा ले पहले। अरे पैसा कोई दिक्कत ना भाई, बढ़िया खर्चा चल रहा अपना और ब्याह को बढ़िया पैसा जोड़ रहा हूँ। अच्छा जी एक्स्ट्रा पैसे कौन था आएगा? अरे पॉकेट ब्रोकर था दोनों पत्तों का? नहीं पता भाई। भाई मैं तुझे इस प्लेटफॉर्म के 5 फैक्ट बताता हूँ जिसने मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। ये फोन में डेस्कटॉप में दोनों में अवेलेबल है, जो हमेशा तेरे साथ रहेगा, तू कहीं से भी इसमें पैसे कमा सकता है, जैसे रोड पर चलते चलते, काम पे, सफर पे। यहाँ तू करेंसी पेरिस मेटल्स कमोडिटीज एंड क्रिप्टो करेंसीज पे ट्रेड कर सकता है और ये रजिस्ट्रेशन के बाद इमिडिएटली अवेलेबल है। अरे वाह क्या बात है। हाँ ये देख, अगर तू इस टैब को फॉलो करेगा तो तू देखेगा वर्ल्ड कप के टॉप ट्रेडर्स ट्रेड कैसे करते हैं और उनकी तरह ही रिपीट करके हम भी सीख सकते हैं। और मेरे हिसाब से ये बिगनर्स के लिए बेस्ट ट्रेनिंग है, और 50,000 तक के डेमो अकाउंट रियल ट्रेडिंग करने से पहले हाथ साफ करने के लिए। अरे फिर तो मैं भी सीख सकूँ। हाँ और आसानी से फास्ट विड्रॉल और डिपॉजिट भी हो जाते हैं यहाँ बिना किसी कमीशन के। यह प्लेटफॉर्म काफी पेमेंट मेथड के साथ काम करता है, जैसे कि क्रिप्टो करेंसीज, और विड्रॉल में भी 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगता। अरे भाई फिर तो मैं भी करता हूँ रजिस्ट्रेशन। हाँ भाई डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में लिंक है, अगर तू V1 कोड यूज करेगा तो फर्स्ट डिपॉजिट पे 60% तक बोनस मिलेगा, तो जा पॉकेट ब्रोकर पे रजिस्टर कर। अरे ठीक है लेट हो रहे चाचा, तो पता कैसे हो। हाँ चाचा बहुत जरूरी है, चाचा दिमाग खराब करेगा हमारे। अब चाचा रोम रोम। चाचा नमस्ते। तुम्हें 6 बजे को लिखो, यूं टाइम आगो घंटा भर होगी बैठे बैठे ना। मैं सोच लो थम आ रही हूँ, पर तुमने तो बहुत टाइम लगा दियो, धूल मट्टी में बहुत ज्यादा परेशान हो रहा मैं तो। चलो चाचा बैठो आ जाओ। हर बाप ने कदी नूना सिखाई बंद करे, थारे बाप ने कदी नूना सिखाई यहाँ से झोड़ा वोड़ा ने भी ले कर पहले हैं? मोदे दो मोदे मोदे तो मैं दूंगा ल पकड़िए। ठीक है ना, हूँ जीवन में ना कैसा रहा जाए करें।
आगे को जा। बड़े भाई राम राम। अरे भैया आजा। राम 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 राम। लेट होगा का टाइम लिख रहा तू तो मैं सुबह ही लिख लिया। हाँ 5 बजे उठो। अच्छा और 6 बजे चल दियो होते तो बाल करने लेट कर दियो। ए बाबा को बिना भेजे तो मैंने टाइम तो ये यहाँ तक लिखा दिए। तू सुना वो ठीक है? हाँ कहा थी कि अब ढापे में कहा थी ऐसी है। ढापा जा तो यहाँ तू अब लौट ले। बाल कहाँ करे ये? तो बाल कुछ ना करो दूट टूटी ढूंढ रहे बस मिली ना रही। ड्यूटी ढूंढ रहे? हाँ। उम्र कहाँ होली इनकी? उम्र होली ऐसी 24-25 साल। और हम कहाँ उम्र में लग गए काम पे? भैया हम तो जल्दी लग गए 18-19 के में लग गए। हाँ भैया मिल ना रही ड्यूटी। चाचा हमने फार्म तो बहुत फार्म तो भी भर रहा तू तो मैं बस कह रहा हूँ जैसे उम्र इतनी लिगड़ गई ये थारा बाप इतना परेशान रह गए रोटी ना मिल रही तब कहा पता रही पच्चीस पच्चीस साल के हो रहे हो या अपने बूढ़े बाप इतना परेशान कर रहे हो या कि रोटी इन पर पड़ रहे हो शर्म ना आ रही चाचा। तू बंदर का बच्चा का तू ढाबे में काम कर रहा है? अरे भैया ना बड़े की बात ये पूरे ढीट हो गया तू गाय को अपने हाथ गुड्डे ने दुखा दे बुढ़ापे में। अरे तो पना से बड़ा भर वे तो संभाल लूंगा इनने तो बता दिया मैंने तने चढ़ा रखे सिर पे ये। चाचा चप्पल की देख रहा हो पहनने को कह रहा हो बोला चल खल लिया है आजा। ठीक है चल भैया सुखी राम मैं कह रहा मन की मो खेत ने दिखाई लाता भाई मेरे तो आसंग ना पड़ रही मैं तो वैसे हूँ काम में दर्द सही रहे बाल करने ले जाए दिखा लाएंगे। चलो मैं बाल को आ जाओ बोला चल कहाँ चल गेहूँ जोर के हो रहे हैं अब कहता गेहूँ ऐसे लग रहे जस बाज रहा पर मेरे तो सली ना लग रही अपने वाले कून से है। ए भाई लाला हमारा वाला कौन सा खेत चले हमारे वाले छोड़ तू अपने ही बता दे थारा कौन सा अंदाजा लगा लूंगा बात ही कौन सा खेत हमारा तो बता देना वो कहां पर तू ही बताओ बता कहां कौन सा पापा ताव है यो चाचा मैं तो ऐसा कदी कदा आऊं छठे चमोसे में नियार बियार यू ले जा या ज्यादा पता हो यहां के बारे में यू ही बताएगा। अच्छा तो पता तो तू बता दे तो क्यों ना पता भाई वो पता तो है चाचा पर तो पता क्यों ना बेटा क्या उबुगे ना यहाँ मर पता ना लग रही कुर्सा नौक मैं तो खाली में आया जब खाली पड़ा हो खेत खाली का तो स्टेडियम में पहले है ना ज्वार बुरी फिर आया तो अंदाजा ना तो पर एक आयो तब इंगे के लिए आये मो चल कोई ना परेशान मत हो चल आगे आगे चल ना पता चाचा माँ कसम ना पता अरे भाई पता ही कौन सा तो पता ही है चाचा मो पता तो ही पर मैं आज सुबह ही भूल गया सुबह ही आ जाओ चलो घर को तो मैं ना पता कुछ भी।
ज्ञान पर ध्यान दे रखे बाबू जी फैशन की बात है तो ये इतने बूढ़े हो रहे इन्ना नूना पता खेत कून सा मारो तेरे सिखा ना कुछ इन्ने भैया मैं जाऊं खेत पे इन्ना ना पता खेत वेत की तू ही जावे तेरे सिर्फ तो डारा खे ये कम मामा सेक्टर में रहे अरे खोल दे 20 मिनट हो गया हमें अभी तो मौका दीजिए बस 2 मिनट रुक जाओ 2 मिनट गाँव में 2 मिनट अच्छा शांत को देख लीजिए यहाँ आगे बस आगे 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 अरे खोल दे एक घंटा 2 मिनट हो ठीक है जब तक यहाँ खड़ा रही है तब तक मैं ना कर लूं चाचा मर जाओ खोल सके गेट पास आ रही है चाचा खोल सके गेट पास आ रही है चाचा हाँ कहा कहा है ना हगन दे ना मुतन दे ना खान दे ना पीन दे जब देखो मारे चल रे कड़ो हम ना आ रहे या तो घर में चाचा रहेगा या हम रहेंगे हम जा भाई ना कते भी यार मतलब हर वक्त ही मारनो जो देखे हो मारनो कहीं दिखे कुछ भी कर रहे ना कर रहे मारनो ही मारनो जिंदगी खराब कर दी हमारा चाचा ना होता नहीं हूँ तो घूसे मार मार के ना एक छाती बाहर निकाल देते मैं अरे हुई तो दिक्कत है चाचा है या के खुद के बालक तो है नो यो आ जा हमें मारने को पता इतना कोई मारे कर यार कमर दुख रही मेरी दो कौड़ी लगी कमर में मेरे भी लग रही है गुम चोट आ रही कमर में बहुत दर्द हो रहा अपनी कसम हमारा पापा कते बेवकूफ है वह पता ही नो तार बालक पिट रहे वह बचा ले वही तो रोके ही ना पता चाचा देखो हम कम मारे हैं पागल हो गए कहते हम तो पिट पिट के ना चल कोई बात नहीं रोटी तो खाई ले हाँ चाचा समोसा बनवा रहे तुमको हम तुमको समोसा लेने को आए हो गरम गरम बन रहे समोसा हाँ समोसे ले रहे फिर एक हाफ और ले लीजिए और ठीक हो मैं तो ले कर ही लौटूंगा ठीक है ले आएंगे ले आएंगे ले आएंगे हाँ चल ले थाली ले चलो ले चलो नहीं चल तू आई बच गए मुँह तो ऐसे लगे रात को भी सपने में जब चाचा मार रो दह पड़ा पड़ दह पड़ा पड़ अरे मुँह तो नहीं लगे अगले दिन कैसे कटे गो अगले दिन फिर मार अरे सो क्यों ना जाओ 11 बज रहे खुद सोयो ना बुढ़ापे में वो बुढ़ापे में आदमी 8 बजे सो जा फोन में लग रहा हूँ फोन में या उम्र में क्या कर रहा हो फोन में बताओ ना देखो देखो क्या कर रहा हूँ अच्छा मैं तेरे को बाद में बात करती हूँ ठीक ठीक अच्छा बालको ये बताओ कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया अंडी एक छोटा सा कॉम है
बस तम कर सको वा कोई और नो कर सके। ओहो बालको, ऐसा कौन सा काम है जो मैं ही कर सकती हूँ? आंटी हमारा चाचा आयो शहर थे, अरे ऐसा चाचा नो हमें इतनो मारे अब कम से कम 15 दिन को आया हूँ, हमें डेली मार रहा हूँ आंटी। अच्छा लेकिन मारता क्यों है? आंटी बगैर बात क्यों मारा है, बात न पूछता। अच्छा बेटा फिर मैं इसमें क्या कर सकती हूँ बता? आंटी आप ही तो कर सको बहुत कुछ, आप ऐसे करो हमारे चाचा नो नकली प्यार के जाल में फंसा लो, और फंसा के ऐसा तड़पा दो चाचा, ऐसा तड़पा दो जो कभी जिंदगी में आ ही नहीं सका हमारे दौर। नहीं, ये काम मेरे से नहीं होगा, मैं तो जा रही हूं। प्लीज आप भी कर सको, या काम है बहुत मोटा पैसा, आप यहाँ खेत खरीदना आयो शहर से। आंटी हम आपे पैसा दे देंगे, कुछ भी गलत ना करना, बस आप नाटक करना आंटी। देखो बच्चों है तो गलत लेकिन तुम्हें मैं शुरू से जानती हूँ, अच्छे बच्चे हो तुम, बहुत अच्छे बच्चे। चाचा क्यों मारता है तुम्हें बिना बात का? उसको सबक सिखाऊंगी मैं, कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए मैं बहुत कुछ करूंगी, सब कुछ करूंगी जो तुम बोलोगे। बालकों को मारता है, इतने अच्छे बच्चे हैं, बिना बात का मारता है। अब ये बताओ कि मुझे क्या करना है? आंटी ध्यान तो सुनो, तुम्हें करना कहा कहीं ना जाई में पूरा ही वाडा लगाया। आ गए तो हेलो आ जाओ, कैसे होगी? हेलो अरे चाचा एक बार फोन आओ किसी को, चलो तुम। हेलो अरे नेटवर्क ना आयो यो कस कहा भाई? जाओ हमारे मामा, जाओ जा रहे जा रहे। दो किला पर एक बस मैं काट दे तो कहे को परेशान हो रही हो? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? खेत अपने ये सारे, ये वाले और ये आपके छोड़ के, बस ये सारे खेत अपने, ये बाकी आप भी अपने। आपकी है? हाँ सारी। वैसे जी एक बात पूछूं जी, आप मोह यहाँ के नहीं लग रहे? नहीं, मैं यहीं रहती हूँ, वो वाला गांव है ना वो। अच्छा वो वाला उधर रहती हूँ मैं। मैंने भी आपको पहली बार देखा है। मैं तो जी यहाँ ही कही हूँ पर मैं बाहर रह हूँ। अच्छा यहाँ बड़ा वाला भाई रहे। अच्छा यहाँ दिखा मैं काट दूँ। नहीं आप ओहो आप इतनी परेशानी क्यों ले रही हो, किससे डर रही हो? आप इतने बड़े जमींदार, इतनी जमीन आपकी और आप ये काम करेंगे? अरे पहला आप वो अपना नाम बताओ। मेरा नाम पूछ के क्या करेंगे? बताओ तो। मेरा नाम राखी है। राखी जी मतलब आपको मैं धरोती पकड़ कर यार ना काट सकूं? छोड़ो यार वो, आप अपना नंबर दो, पहले नंबर दो मुझे, घर जाके बात करनी है आप कुछ। दो नंबर, दो नंबर से क्या करेंगे? याम घाल दे इसमें ना, ऐसा कर दो, कर दो बहुत अच्छा लगेगा। हाय बात करो 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 करो। हेलो हेलो कौन? ओहो कौन? बड़ी जल्दी भूल गई, अभी मिले ना खेत पे। अच्छा खेत, और कैसे हैं आप? मैं तो जी जब तक तुम देखियो कतई चटक गो, ना खाने मन लगे
ना कहीं मन लगे बनुई याद सी आती रहे। आप कहते हो मुझे बहुत बढ़िया लगी, आपकी मूछ बहुत बढ़िया लगी। एक बात बोलूं, मतलब आप मुझे बहुत अच्छे लगे। क्या हाइट है आपकी और जो आपके मूछें हैं ना, बहुत ही अच्छी हैं। मैं मतलब क्या बोलूं, मतलब अच्छे लगे आप मुझे बहुत ज़्यादा। बाजे मूछन को था बचपन तेई शौक बहुत ज़्यादा, जब छोटा सा जब तई मूछ बढ़ाने लगो बड़ी अच्छी लगे मूछ। और वैसे आप जो लग रही ओ, आप गुलाबी कलर के सूट में माइंड ब्लोइंग कर दे मेरा तो, बड़ी सुंदर अद्भुत लग रही। अब क्या बोलूं? ऐसे बोल दो कि सिकलते लगो तुम गुस्से वाले से। अब वैसे तारी बात बहुत ज्यादा प्यारी है। एक बात बोलूं मैं आपसे? हाँ जी हाँ जी। वैसे देखने में तो आप बहुत गुस्से वाले लगते हो, आपकी शक्ल ऐसी है जैसे गुस्से में मतलब बात करने में भी डर लगता है, लेकिन आप तो बहुत नरम दिल के हो। ना जी गुस्सा की तो बात ऐसी है, कभी जिंदगी में गुस्सा ही ना कर अपनी ओड़े पे, तो बहुत अच्छा हूँ मैं। किसी तक गलत नहीं बोलना, सबसे राम राम करना, सबके प्यार प्रीत में अपने ऐसे हिसाब किताब है। फिर बड़े भाई पूछ लीजिए, गुस्सा तो करो ही कर दे। नहीं नहीं वो तो पता चल ही रहा है आपको, मतलब आपसे बात करके इतना अच्छा लग रहा है। पहली बार किसी को देखा कि मतलब इतना गुस्सा वाला चेहरा और इतना नरम दिल। वैसे तो बहुत अच्छा हूँ मैं, काफी क्यूट हूँ और आई लव यू। क्या बोलूँ अभी तो मैं नहीं बोल पाऊंगी आई लव यू। टाइम लगेगा, पर टाइम लगेगा जी, समझो बात थोड़ी सी। काट दो काट दो। देखो क्या बोल रहे हैं आप आई लव यू, मैं तो अभी नहीं बोल पाऊंगी। क्यों? मैं घर पे हूँ, लोग भी हैं घर पे, और मैं बाद में बात करूंगी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एक मिनट बाद में। हेलो, अब तुम सारी बात मेरे पे छोड़ो, अभी तुमने आंटी का टैलेंट नहीं देखा। ओहो आंटी जी जय हो। आप करते क्या है? मैं जी मैं कुछ ना करूं, मेरा किराए का काम है सारो, किराए विराए पे कमरे चढ़ा रखे, बाकी मैं तो यहाँ आया अपने गांव में जमीन लेने और जरा पैरों पम में। एक बात पूछूं मैं आपसे? हाँ पूछ। आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में जी सब है मेरे घर में। हद हो गई है। क्या होगा? शर्म नहीं आती आपको? क्यों मैंने कहा कर दिया हाथ तो क्यों रखा हाथ? गलती होगी मैं पता। हाँ जी गलती होगी। मैं गलती की क्या बात है, मैं ऐसे धर रहा हूँ एकदम तो चलो को। अरे मैं तो ऐसे थोड़ा सा आपसे फ्रेंडशिप हो रही थी, मैंने कहा चलो ठीक है अच्छे इंसान है, मैंने ऐसे हाथ पकड़ लिया। मैं ऐसे ना धर रहा हूँ, मैं गलती होगी मोहब्बत। मैं तो ऐसे रख रहा हूँ इधर हाथ आगे नीचे। अभी मैं सबको बताऊंगी, किसे बताएगी? सबको बताऊंगी मैं। हाँ चलो मोहब्बत, गलती होगी बहुत मोहब्बत, बहुत बड़ी गलती होगी। मोहब्बत करती होगी, सुनो मेरी बात, आज के बाद ना पकड़ूंगा हाथ। शर्म नहीं आती तुम्हें? आती है, जैसे तुम्हारी शक्ल है ना ऐसे तुम्हारा मन भी है। मैंने सोचा अच्छा इंसान है थोड़ा फ्रेंडशिप कर लूं, तुमने मेरा हाथ। मैंने हाथ नहीं, मैं सबको बताऊंगी मैं। मैंने रखाया ऐसा, वो कहा बताई हाथ नीचा जाएगा। सॉरी अभी मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूं। मैं सॉरी, अब मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है। सुनो मेरी बात, आज के बाद ऐसी गलती ना होगी कतई। पक्का? हाँ। अब ऐसे किसी के साथ मत करना और मेरे से बात करने की जरूरत नहीं है बस। आंटी तुमने कहा कर दिया, यू ऐसा नो करना है आंटी। मुझे तरस आ गया उस पे, फिर मैंने चलो छोड़ो, मैंने कहा कोई बात नहीं, माफी मांगने लग गया, मेरे पैरों में पड़ने लग गया था मेरे आगे। जी तरस ही तो नो करना, तरस के चक्कर में तो हम लुटे बैठे, हम पे तो नो करो तरस। ए आंटी हमें बहुत मारा है, जभी तुम्हारे धोराए हम तारो कहा मतलब आज तरस करने को। अच्छा अब बता मैं क्या करूं? अब तुम फोन करो वापस। फोन करूं? और क्या? नहीं आएगा वो, क्योंकि मैं उसे झाड़ लगा चुकी हूं अच्छे से। अरे क्यों ना आएगा वो, भग के आएगा जहां तुम कहोगी हां आएगा वो। करो फोन करो। मैं बैठा ना यहीं। हेलो
कैसे हैं आप? हाँ ठीक हूँ। क्या गुस्सा है मेरे से? ना नाराज हूँ। हाँ मुझे पता है, मैंने बाद में रियलाइज किया, मेरी गलती है, मुझे ऐसा आपको डांटना नहीं चाहिए था। ना डांटना चाहिए तो फिर क्यों डांटा? वो आपने अचानक ही हाथ पकड़ लिया तो मेरे को बड़ा अजीब सा लगा, तो मैं माफ़ी चाहती हूँ आपसे, मुझे माफ़ कर दो। पता तुम तो प्यार ना करे। नहीं 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 ऐसे मत बोलो। नहीं नहीं मैंने बहुत रियलाइज किया, ठीक है, आई लव यू, बस जो आपने बोला मैं रिपीट कर रही हूँ, आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बस। आई लव यू। ठीक, आई लव यू टू, आई लव यू थ्री। आप खुश हैं? हाँ अब तो काफ़ी खुश हूँ, पहले तो काफ़ी बेटर हूँ। अब मैं मिलना चाहती हूँ, मिलोगे आप मेरे से? हाँ हो, मैंने कब मनोकारी खा दी। ठीक ठीक, फिर कहाँ पे मिलना है? जहाँ मिले। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, फिर मैं मिलती हूँ, अभी 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 आ रही हूँ मैं आपसे मिलने के लिए। ठीक है, मैं भी आ रहा हूँ। ठीक है ठीक। अरे वो तो मान गए। अरे मानने को क्यों ना, हमारा चाचा है, हमें नस नस की पता हो चाचान की। कौन भाई ऐसो हमारो सारो? नाराज हो? तोरा तोरा। अच्छा बाबा मैंने माफी मांग ली है। अच्छा मेरी तरफ देखो। अच्छा ठीक है, मेरे हाथ में हाथ रखो अब बस। ओए क्या कर रहा है ये, क्या कर रहा है तू? कहोगे हो क्या तू? क्या सोच रहा है, उस दिन से मैं तेरे चक्कर में फंसी हूँ है? अरे ये तो मेरे दिमाग का कमाल था, तुम जैसे लोगों को ना सुधारने के लिए। है, कहा कह रही है तू? हाँ हाँ क्या कह रही है क्या? नहीं तू क्या सोच रहा है कि मैं तेरे चक्कर में आ जाऊंगी? सुन कान खोल के, वो देख कैमरा लगा है ना, वो देख वहाँ, देख वहाँ, मुझे मत देख, वो कैमरा लगा है ना, तेरी सारी हरकतें और तेरी सारी बातें वहाँ रिकॉर्ड हो गई हैं। तू क्या सोच रहा है? नहीं तू क्या सोच रहा है कि तू भाग के जाएगा और उस कैमरे को तोड़ देगा? अरे ये सारी मेरी ना टीम देख रही है ऑफिस में बैठे हुए, ये सारी मेरी टीम देख रही है, तू कुछ नहीं कर सकता। अब कान खोल के सुन, अब तू जा घर और मुझे पूरे 10 लाख रुपए लेके। क्या मैं यहीं पे बैठूं? 10 लाख? हाँ 10 लाख रुपए। नहीं तो ये सारी रील ना पुलिस स्टेशन चले जाएगी। खड़ा हो, चल खड़ा हो, खड़ा हो, मैं तेरे यहाँ इंतजार कर रही हूँ, खड़ा चल खड़ा हो। अरे जा ना, खड़ा हो जल्दी से। 10 लाख मैं यहीं पे तेरा इंतजार कर रही हूँ। क्यों रो रहा है? ना पता क्यों रो रहा है? नहीं तू बता ना अपने मुंह से, बता क्यों रो रहा है? इतनी मेहनत से पैसा कमाया, नहीं चले जाए। पता चलेगा ना, अब किसी के पीछे पागल नहीं होना, किसी के प्यार में पागल नहीं होना, किसी के चक्कर में नहीं आना। मेरी वीडियो तो काट लो। उसकी टेंशन ना ले तू, वो मैं तेरी वीडियो काट दूंगी, लेकिन तू कान खोल के सुन, पूरे गांव में पूरे एरिया में कहीं नजर नहीं आएगा। अब तू सीधा निकल जा यहाँ से, जल्दी से निकल जा। आंटी ले अपने 10%। क्या पैसे? 10%? 10% क्यों? 20% लूंगी पूरा। कोई ना 15% ले लो, क्या दिक्कत आ गई? 20% सारे पैसे ले लूंगी मैं, मेरा 20% चाहिए। तुम्हारे चाचा के साथ इतना दिमाग खराब किया, इतना टैलेंट दिखाया और मेरे को मेरा पैसा पूरा चाहिए। आंटी कोई बात ना, 20% ले लो, तुम खुश रहो। पर हाँ लो मेरा पैसा दो। लो यूरो भाई लाओ। खुश रहो? हाँ हाँ मैं खुश हूँ, हम भी खुश रहेंगे। मजा बंदी आंटी ने तो। दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, कर दो दबा के। और दोस्तों पॉकेट ब्रोकर पर पैसे कमाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर और पिन कमेंट में जो लिंक है उस पर रजिस्टर करें और हमारा प्रोमो कोड V1 यूज करें, जिससे कि आपको फर्स्ट डिपॉजिट पर 60% का बोनस मिलेगा। राम राम जी। राम राम।